चांदनी चौक की भीड़ भरी गली और यहाँ की एक दुकान जो पिछले 200 साल से ट्रेडिशनल इत्र की खुशबू को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बिखेरने का काम कर रही है, जिसका नाम है गुलाब सिंह जौहरीमल। तो आइए आपको ले चलते हैं उनकी दुकान पे, चलिए मेरे साथ। बड़े बड़े महानगरों में बसे हैं कई छोटे छोटे शहर, जिनकी अपनी विरासत और दास्तां है। एक ऐसी ही विरासत को संजोए हुए है पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक। वो विरासतें जो 200-300 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में मैं राजधानी की सबसे पुरानी इत्र की दुकान गुलाब सिंह जौहरीमल पहुंची। देश विदेश की कई बड़ी शख्सियतें और शाही परिवार इस प्राचीन ब्रांड के ग्राहक रहे हैं। 1816 से कैसे गुलाब सिंह जौहरीमल दुनिया की सबसे पुरानी इत्र परंपरा को कायम किए हुए है, देखिए ये खास बातचीत। तो आइए अब हम मिलते हैं गुलाब सिंह जौहरीमल के ऑनर मुकुल गांधी जी से। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनए 24 में। सर आपका जो ये पूरी विरासत है, आपने इस विरासत को किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया है? ये हमारी जो दुकान है ये 200 वर्ष पुरानी दुकान है, सन 1816 का इसका यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है इसी जगह पे, और हमारी ही फैमिली में थ्रू आउट ये दुकान रही है। और शुरू से लेके आज तक परफ्यूम और सुगंध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बनाते हैं और बिक्री करते हैं। यही एक हमारी जिसको कहते हैं आजकल इंग्लिश में USP, तो USP भी है और आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी भी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और सारी जो चीज़ हमें अपने पूर्वजों से दादा परदादा से जो मिली है उसको हम उस लिगेसी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और कोशिश हम यही करते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ वाजिब दाम पे अपने जो हमारे आने वाले कस्टमर्स हैं उनको हम प्रोवाइड कराएं, ताकि वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हमारे दुकानदार हैं हम, वो हमारे कस्टमर भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को आज भी हैं और आगे भी हमारी वो लेगेसी चलती रहे, एक जो रिलेशनशिप है। एंसर मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि गुलाब सिंह जौहरीमल की जो USP है वो है उनका जो ट्रेडिशन है उसको नहीं छोड़ा है, वही उनकी सबसे बड़ी USP है। तो सर ये जो ट्रेडिशन है इसके बारे में मैं आपसे ट्रेडिशन है मैम, जो देसी इत्र बनते हैं वो ट्रेडिशन है, जो पूरे एक विधिवत तरीके से इत्र बनाया जाता है उसी की हमारी स्पेशलिटी है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जहाँ तक जो बाजार में और अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको भी मापदंड बना के अपना और आगे हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने जो पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ा नहीं है, उनको साथ में लेके और नए जैसे जैसे मार्केट की डिमांड आ रही है, कस्टमर्स की डिमांड आ रही है, उस हिसाब से इनोवेशन करके अपने आप को बदल के कस्टमर के अनुरूप अपने प्रोडक्ट को ढाल के हम मार्केट में लाने की व्यवस्था करते हैं, उसको अच्छे दाम पे अच्छी चीज़ को वाजिब दाम पे बेचने की कोशिश करते हैं। एंड सर अभी अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से जो इत्र की खुशबू है आपके यहाँ पे जो है मुझे मिलेगी? इत्र की खुशबू में आपको देखिए फूलों का राजा गुलाब, गुलाब का इत्र मिलेगा, मोतिया चमेली और केवड़ा संदल खस, और फिर आप आ जाइए हार श्रृंगार कदम्ब मौलश्री पहली बारिश का जिसको मिट्टी का इत्र सौंधी मिट्टी का इत्र कहते हैं वो मिलेगा आपको हमारे पास। जितने प्रकार के भी नेचुरली अवेलेबल फ्लावर्स होते हैं कमर्शियली जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं एक्सप्लॉइट तो एक अलग शब्द हो जाएगा, मैं कहूँगा जिनको हम उसको इत्र के रूप में बना सकते हैं, आपके सामने पेश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इत्र के रूप में प्योर अवेलेबल है। बाकी फिर हमारे पास सिंथेटिक इत्र होते हैं, सिंथेटिक इत्र जो है वो भी ऐसे होंगे जो आपको नुकसान ना करें, किसी भी प्रकार से कोई एलर्जी क्रिएट ना करें, कोई जुकाम खांसी किसी प्रकार का आपको इफेक्ट ना करे उसमें, और वो खुशबू ज़्यादा दें, उनकी कीमत कम होती है कंपैरेटिवली। जो प्योर वाले होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्योंकि कस्टमर हर एक तरीके का फुटफॉल होता है हमारे पास, जैसा भी कस्टमर आएगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी सेवा करते हैं जी। मैं अपने यहाँ व्यूअर्स को बता दूँ, जैसे ही आप पुरानी दिल्ली की इस गली में आएंगे तो आपको वो जो खुशबू है आपको अलग से शॉप ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी खुशबू ही, इत्र की खुशबू ही इनकी शॉप तक आपको ले आएगी। सर मेरा आपसे सवाल था कि अगर मैं
प्राइसिंग का पूछूं तो वो आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि हर तरह के जो कस्टमर हैं वो होते हैं, तो इसका जो प्राइसिंग है वो कैसा रहता है? देखिए, अगर आप कोई भी प्योर इत्र लेंगे तो वो लगभग 4400 रुपए का 10 ग्राम है। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 10 ग्राम ही लें, आप 5 ग्राम की बोतल 2200 रुपए की भी ले सकते हैं, 2.5 ग्राम की बोतल 1100 रुपए की भी ले सकते हैं। तो ये तो प्योर वाला है। फिर अगर आपको कोई चीज़ सिंथेटिक लेनी है तो वो 10 ग्राम 100 रुपए से शुरू है, फिर वो बढ़ते बढ़ते हमारी 200 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए की बोतल वो भी है। तो हर तरीके की पॉकेट के फ्रेंडली के हिसाब से हमारे पास अवेलेबिलिटी है। हम उस चीज़ को कस्टमर को समझा के, पसंद करा के, कोई चीज़ हम फोर्स नहीं करते कि भाई नहीं आप यही लो, आप 1000 वाली लो, 500 वाली लो, आप 100 रुपए वाली भी लेंगे तो भी हम खुश। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कई देश और दुनिया की हस्तियाँ भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। सर से मैं जानना चाहूँगी, तो वो तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहूँगा, उनकी प्राइवेसी के अंदर एक मैटर आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग स्वयं आते हैं, हस्तियाँ स्वयं आती हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो किसी ना किसी अपने मतलब समझ लीजिए एम्प्लॉय को भेज दिया, किसी ने ड्राइवर को भेज दिया, किसी ने ऑफिस बॉय को भेज दिया, पर्चे पे लिख देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। शॉप खुलने का समय एंड हमारी कोशिश रहती है हम सुबह 10 बजे तक दुकान खोलें। हाँ। और हम शाम को 7 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, और हमारा संडे ऑफ होता है। ओके। वो वीकली ऑफ है। ये इत्र हिना है जी। ये हम संदल के तेल पे इसको जमीन लेके एज अ बेस, और उसपे जितने भी मसाले होते हैं गरम, जिनकी तासीर गरम होती है, उनको हम डिस्टिल करके ये इत्र हिना बनाते हैं। इसकी तासीर भी गरम होती है जी। सर्दी के अंदर जैसे अब आगे आने वाला मौसम है, आप इसको लगाइए और जो ठंड का असर है उसको ये खत्म करता है। आपको गर्माहट महसूस होगी और फ्रेशनेस महसूस होगी। आने वाला जो गुलाबी अभी ठंड चालू हो गई है, तो ये इसका मजा ही ठंड में जी। इसी प्रकार से अगर आप गर्मी में कोई इत्र लगा रहे हैं तो खस का इत्र लगाइए। अच्छा। वो खस का इत्र आपको गर्मी से बचाएगा, जो हीट स्ट्रोक, जो लू का असर होता है उसको खत्म करता है। इसी तरीके से ये हिना का ये ठंड का असर करता है। इस तरह से मतलब मौसम के हिसाब से भी इत्र के हिसाब से हमारे देसी इत्र होते हैं। और अच्छा अच्छा। और बारहमासी अगर आपको कोई इत्र चाहिए तो गुलाब, मोतिया, चमेली, ये सारे जितने भी फूलों के इत्र होते हैं आप बारहमास लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुकुल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन उनके वहाँ जो गुलाब सिंह जौहरी मल है वो इत्र की खुशबू को आगे तक देश दुनिया तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही DNN24 के साथ। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।